स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा जेल का है। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जश्न मनाया गया, पर इसमें एमपी के सागर जिले का सेंट्रल जेल भी पीछे नहीं रहा। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कैदियों पर भी जेल की चार दीवारी में कृष्ण भक्ति की लहर छा गई। सुनने में हैरानी होगी, लेकिन 300 से ज्यादा कैदियों ने ना सिर्फ जन्माष्टमी पर व्रत रखा, बल्कि जेल को सुबह से ही दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर दिया था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जश्न जहां जेल के अंदर हर कोना कृष्ण भक्ति में रंगा हुआ था और हर जगह झांकियां सजाई गई। जन्माष्टमी के लिए पिछले 15 दिनों से कैदियों ने दिन रात मेहनत की है। जेल में बंद कैदियों ने डांस और कृष्ण लीला पर परफॉर्मेंस तैयार किए। जेल में सैकड़ों कैदी बैठकर इन प्रस्तुतियों का मजा उठा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि माहौल गूंज उठा, मानो ऐसा लग रहा हो कि ये किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन है। जेल के भीतर ही मटकी फोड़ी गई और गोविंदा आला रे, नंद घर आनंद भयो जैसे गाने बजाए गए। इस दौरान कैदियों ने जय कन्हैया लाल की के नारे भी लगाए। नजारा ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब जेल के अंदर हो सकता है। बता दे, कैदियों ने कृष्ण लीला पर एक्ट पेश किया जिसमें देवकी और वासुदेव का सीन था। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक पूरा नाट्य प्रदर्शन शामिल था। जेल के सुपरिटेंडेंट मानवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि भगवान का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, इसलिए यहां जन्माष्टमी मनाने के विशेष निर्देश मिले थे। जन्माष्टमी का दिन जेल स्टाफ और बंदियों के लिए बेहद खास रहा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नगर विधायक शैलेंद्र सिंह भी इस भव्य उत्सव में शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि सभी स्थलों पे, सभी जगह, खास तौर पे जेलों पे इसे एक विशेष आयोजन के तौर पर, विशेष धार्मिक आयोजन के तौर पर हम लोग भी मना रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, इसलिए सभी जेलों का और वहाँ रहने वाले बंदियों का, जो वर्ष भर उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहते हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत उत्साह का रहता है। और इसके लिए बंदी लोग अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए नाट्य मंचन, अपनी डांसिंग, नृत्य और गायन प्रस्तुत करते हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज हमने माननीय मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी को भी आमंत्रित किया था और वो भी पधारे थे, और विशेष उत्साह आज बंदियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और हम लोग भी पूरी तैयारी में उनका सहयोग करते हैं। जन्माष्टमी पर जेल से आई इस खबर ने साबित कर दिया कि जेल की बंद दीवारों में भी भक्ति का नजारा देखने को मिल सकता है। आपको सागर जेल से कृष्ण जन्माष्टमी पर आया ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहे लोकलिटीन।